मैं हूँ हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश। मैं गंगा के किनारे बसा ऋषिकेश शहर हूँ। गंगा योग और अध्यात्म के अनूठे संगम ने मुझे विश्व में योग नगरी के रूप में पहचान दी। पिछले 2 दशक में खूबसूरत वादियाँ और रोमांच की हद तक ले जाने वाले वाटर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे साहसिक खेलों के दम पर मैंने पर्यटन नगरी का रुतबा हासिल किया। मैं ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा हूँ। प्राचीन भरत मंदिर में स्थापित ऋषिकेश के रूप में मुझे मेरा नाम मिला। बाद में हरिषिकेश बदलकर ऋषिकेश हो गया। मैं चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव हूँ। थके हारे लोग यहाँ गंगा किनारे आराम कर थकान मिटाते और फिर आगे बढ़ जाते। कुछ समय बाद धर्मशालाएं बनी और यात्री कई दिनों तक यहाँ ठहरने लगे। मुझे याद है कि पहले एक पुराना पुल था जो तपोवन और स्वर्गाश्रम के दोनों छोरों को जोड़ता था। पुल पर पट्टियाँ नहीं थी, यह जूट की रस्सियों से बना था। पुल पर टोरी के सहारे लोग एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। लेकिन कोलकाता के सेठ सूरजमल जुहानुबल ने यात्रियों की सुविधा के लिए वर्ष 1890 में लोहे के मजबूत तारों से लक्ष्मण झूला पुल बनवा दिया। इस पुल की ख्याति इतनी थी कि वर्ष 1915 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुल को देखने के लिए हरिद्वार से पैदल ऋषिकेश आए थे। 1924 में यह पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में दोबारा इस पुल का निर्माण शुरू किया और यह 1930 में बनकर तैयार हुआ। अब इसे बंद कर दिया गया है। हालांकि आज मेरे पास आधुनिक इंजीनियर और नायाब नमूने के रूप में जानकी सेतु है। पुराने लक्ष्मण झूला पुल के पास नए बजरंग सेतु का भी निर्माण कार्य चल रहा है। लक्ष्मण झूला पुल का पुराना साथी राम झूला आज भी पर्यटकों को गंगा के ऊपर हिचकोले खाते हुए सैर का आनंद दे रहा है। रात में जानकी सेतु और लक्ष्मण झूला पुल पर लाइटों की सुनहरी रोशनी मेरी आभा में चार चांद लगा देती है। मैं ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा। योग और अध्यात्म से मेरा पुराना नाता है। लेकिन वर्ष 1961 में महेश योगी ने 84 कुटिया को बनाया तो मेरी पहचान बदलने लगी। विदेशी भी योग और अध्यात्म के लिए यहाँ आने लगे। 1968 में बीटल्स ग्रुप को तो मैं इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे बेहतरीन 40 गानों की रचना कर दी। इसके बाद तो जैसे विदेशी पर्यटकों के लिए मैं दूसरा घर बन गया। स्वर्गाश्रम और तपोवन तो विश्व का सूक्ष्म स्वरूप बन गए। स्वर्गाश्रम में गंगा किनारे परमात निकेतन घाट की आरती विश्व प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व भर में मान्यता के साथ साथ मुझे योग नगरी की पहचान मिली। पिछले 1.5 दशक के दौरान पर्यटन के नक्शे पर मुझे मेरी पहचान मिली। NGT की रोक से पहले लोगों ने गंगा किनारे बीच कैंपिंग का खूब लुत्फ़ उठाया। शांति की तलाश में लोग मेरे अरण्य में बने कैंप की ओर दौड़े चले आते थे। हेवल घाटी, शिवपुरी, कौडियाला में बने इन कैंपों में रोमांच और सुकून का संगम है। रिवर राफ्टिंग के शौकीनों की भी मैं पहली पसंद बन गया हूँ। भारत की सबसे ऊँची बंजी जंपिंग और एशिया का सबसे ऊँचा ज्वाइंट स्विंग भी मेरी पहचान बन चुके हैं। आज मैं किसी के लिए योग नगरी, किसी के लिए आध्यात्मिक नगरी तो किसी के लिए पर्यटन नगरी हूँ। मेरे कई नाम और पहचान हैं और समय के साथ मेरे सफ़र में अभी बहुत कुछ जुड़ना बाकी है। अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं।